अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, आज हम फिर से एक और गाना मुर्शद का सुनने वाले हैं जिसका नाम है किंग। मतलब जो गाते हैं उनका नाम है किंग, नाम में भी और काम में भी। और गाने का नाम है मैं हो गया तेरा, और ये ईपी तलिस्मन का ही ट्रैक है कोई। और बस यार बिना टाइम जाया के शुरू करते हैं। एक सेकेंड रिकॉर्डर देख लूँ ऑन है कि नहीं है, ऑन है। और यार मैंने जब मैं ये गाने सारे कर लूँगा तो मैं बीच में ही ना भाई हार्ट ब्रेक का भी वीडियो रिएक्ट मार दूंगा। क्लेम आए मुझे कोई मसला नहीं है, बस स्ट्राइक ना ठोक दें भाई। किंग भाई ना करना यार कभी ज़िंदगी में, मतलब यार मुर्शद दिस इज मैं तुम्हें पता है एक रैंडम बंदा हूँ यार, कम से कम मुझे इंजॉय तो करने दो ब्रो। बस खुशी होती है ब्रो, बिना टाइम ज़ाया किए बाबा जी। होपफुली मज़ेदार होगा, अगर कुछ ना हुआ तो मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर हुआ तो। हेलो, वाह क्या हो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताओ। जब कल तुमने मुझे कॉल की थी तो काफी रोना धोना किया था, वापिस जाने के लिए कहा था, मैं नहीं आया था और बड़ी बेगैरत तरीके से मैं फोन कट कर दिया था तुम्हारा। तो मैं नहीं चाहता ये रिक्वेस्ट लेके आज मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो ना आजकल तेरी आंखें कुछ बोलती नहीं, आजकल कोई राज तो खोलती नहीं, आजकल तुझे प्यार ही मुझसे नहीं। मैं जानता हूँ पर तू जाने को तुम म्यूजिक ना दो ना, ये यार मैं पागल हो गया, मेरा इलाज कराओ। जो नहीं मैं पागल हो गया, गलत हूँ। शो था असल, जो भी शो था उसमें आ गया ये बंदा। मतलब ये उड़ गया। और मैं अभी इस वक्त जो सीरियसली मतलब इतना वो हो चुका हुआ ना, मैं जरा दिन ब दिन इससे बहुत ज़्यादा इस बंदे से बहुत कनेक्शन मेरा जोड़ रहा है। तो हालांकि ये नहीं है वो सीन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सड़क पीछे ड्रैग कोला की वो लास्ट में उन्होंने शॉर्ट दिखाया था वो ऐसे, मतलब मैं मादर चोर हूँ जिसमें। बस बात ये है यार, इतना सुरीला बंदा ना ये। अगर जिना करो जिस बात भी समझो हमारे मन में, जिना करो क्या जानती है कितनी प्यारी है तू, मेरी आंखों में बसी सारी है तू, ना दिन से कुछ इतनी दफा उतनी है याद में और तू जाने दी नहीं। मैं हो गया तेरा, मैं हो गया तेरा, मैं आज भी उन पल की बातों पे जी भर के रोया हूँ। मैं हो गया तेरा, मैं हो गया तेरा, मैं आज भी उन पल की बातों।
मैं क्या नहीं कर रहा, मशहूर। सबसे पहली बात, इस गाने का म्यूजिक मुझे अफसोस की बात है, मतलब एक बंदे की आवाज़ के लिए एक म्यूज़िक बनाया जाता है ताकि उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन हो और ज़्यादा लोग सुने, बीट हो, एक मज़ा हो, एक वाइब हो। बंद करो म्यूज़िक को, जिसने भी म्यूज़िक बनाया इस गाने का म्यूज़िक बंद करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता। प्रोड्यूस ये LCS इन्होंने ही दिया होगा म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक मास्टर जो भी हो, ब्रो जिसने भी किया है ये काम, म्यूज़िक बंद करो। मुझे किंग की आवाज़ सुननी है ब्रो, इतने मज़े से ये गाता है ना। और एक तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई बाबू भैया लड़की का चक्कर है, लड़की का चक्कर, हर जस ने भी लड़की का चक्कर है, फादी का भी लड़की का चक्कर है, किंग का भी लड़की का चक्कर है। मैं तुम लोगों को देता हूँ एक राय, तुम सबसे छोटा हूँ लेकिन एक लेजेंडरी राय दूँगा, मोहब्बत करना तो सिर्फ ये समझ रहे हो, इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी के साथ ना करना। वो कहते हैं ना कि शादी का जेन में आए तो मास्टर वे ट्वाइस अ डे, तो जेन से निकल जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, मैं कौन सी लाइन में लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को ब्रो। किंग यार, किंग ब्रो, कितने खूबसूरत तरीके से, मैंने थक गया हूँ यार, कितनी तारीफें करूँ यार। लोग मुझे कहते हैं कि सोचते होंगे कि यार नियाजी कुछ नया नहीं बोलता यार, मेरे पास नहीं है टाइम, मैं टाइम मतलब मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या बोलूं यार। मैं शायद मुझे वाकई में दिल में मेरे बैठ चुका हुआ है किंग ब्रो। मैं सिर्फ ये रिएक्शन अगर करता हूँ, मैं तो रिएक्शन वक्शन को इन चीज़ों पे यकीन भी ज़्यादा नहीं करता, वो अलग बात है, मैं फिर भी कर रहा होता हूँ, चुत्यापा मैं कर रहा होता हूँ मुझे पता है। लेकिन मुझे जब अभी 500 या 100 बंदा देखेगा, वो फील समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूँ मैं। हाँ, तुम लोगों में से एक ही फील बनकर तुम्हें रिव्यू अपना दे सकता, तुम लोगों को पता है मैं कोई टेक्निकली बड़े गुरु जी अकॉर्डिंग टू दिस द किंग इज नेम इज तीसरा नहीं, एक इजहार है ब्रो, एक मोहब्बत है बस, वो किंग के लिए मेरी जागती है। और ये जब से हुआ है, जब से मैंने नौ लॉस इतना खूबसूरत देखे थे, मुझे यकीन जा रहा हूँ मुझे म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा बस किंग की आवाज़ सुन। और हाँ, एक रैंडम सॉन्ग था ब्रो, मतलब मज़ेदार खूबसूरत तरीके से निभाया गया हुआ है। और मैं जब भी किंग को देख रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किंग के जल्दी से जल्दी गानों पर रिएक्ट करूँ, क्योंकि जितने ऊपर हुए हैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने सुन लिए तो मैं फिर भी रिएक्ट करूँगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना सुनूँ। हार्ड ब्रेक में भी मैं दूंगा, हार्ड ब्रेक है ना मेरे खास एल्बम, मुझे पता है लिमिटेड, मैंने कहा था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन यार मैं माफ़ी मांग लूँगा भाई किंग से, अब यही मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तुम लोग यार कह देना यार, बस मैं अपना इजहार रखना चाह रहा हूँ, और कोई मसला नहीं। अभी इनके दो गाने रह गए मेरे ख्याल से जो भी आने अगली 10 दिन बाद, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी हार्ट ब्रेक पे आऊँ और सीन ये करूँ। हमेशा की तरह मैं गाने पे यही बोलूँगा, ओ कमाल ये वो, थक गया बस, मज़ा आया ब्रो, मैं अपना इजहार यही रख सकता हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा इतना डैग नहीं किया क्योंकि ये गाना नाच वाला नहीं था, मैं स्टिल इस गाने के अंदर फील कर रहा था वो ड्रैग वाला, क्योंकि वो बैकग्राउंड ऐसा था ना, मैं इतना कनेक्ट हो चुका हूँ कि मैं उस चीज़ को अभी मैं मैं अपने आप में ना वो जिसे कहते हैं ऑब्जर्व, एक खींच लेना अपने अंदर, वो सीन नहीं हो रहा ब्रो, मेरे पर लफ्ज नहीं है, मैं घबरा रहा हूँ थोड़ा, तो वो सीन नहीं हो रहा मेरे से अभी, मुझे हज़म नहीं हो रहा आम जमाने को, तो हज़म जब हो जाएगा तो मैं इस पर ज़रा खुल के बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ ख़राब थी कि म्यूज़िक नहीं होना चाहिए था ब्रो, तू गाता ही अच्छा, बस थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, तुम लोगों को पता है चीज़ का, नहीं तो मेरे भी सब्सक्राइबर ना चुकने वाला काम है ही नहीं मेरा, ये बहन जो जाओ काम करो। मिलता आप लोगों को यार किसी अगले वीडियो में बाबा जी, होपफुली आप लोगों को मेरे जज्बात समझ आए होंगे, रिएक्शन सभी देते हैं और मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छे देते हैं, मेरे जज्बात बस तुम लोग समझ रहे होंगे। मिलता आप लोगों को यार किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाबा जी सीन फुल्ली यस कमांडो।